यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हो रहे हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। यह देश जितना भी अपने नीति कौशल और सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उतनी ही ताकत से एक सामूहिक प्रयास इस देश को पीछे खींचने का भी होता है, हमेशा कोशिश करता है कि पीछे खींचे। पीछे खींचने का प्रयास अराजकता फैलाकर आतंकवाद को पाल पोस कर फंडिंग कर लिया जा रहा है, फंडिंग करके किया जा रहा है। कुछ भी हो, देश की कहीं भी अगर देश के खिलाफ कुछ हो रहा, फंडिंग हो जाती है। यह बात इस दुनिया का हर देश जानता है कि अगर भारत के रास्ते में रोड़ा ना अटकाया जाए तो यह देश आने वाले कुछ एक सालों में से सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। आतंकवादी घटनाओं का फंडिंग इस देश के बढ़ते कदम पर एक ऐसी जंजीर है जिसे वक्त रहते अगर नहीं काटा गया तो हम विकास की दौड़ से पीछे छूट जाएंगे। इस्लामिक आतंकवाद भारत में जड़े जमाने के लिए नित नए हथकंडों का उपयोग कर रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कर्तव्य को तो पुराने हो चले हैं और हमेशा हम देखते आए हैं, अब इस्लामिक स्टेट यानी IAS ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत पर आत्मघाती हमले की मंशा में जुटे IAS के एक आतंकवादी को रूस में गिरफ्तार किया गया है। रूस की शीर्षस्थ खुफिया एजेंसी का कहना है दोस्तों कि मध्य एशियाई देश के इस आतंकी को अप्रैल में ही तुर्की में IAS की तरफ से आत्मघाती हमला यानी मानव बम के रूप में हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षित किया जाएगा। इस आतंकी का रूसी एजेंसी ने तस्वीर और उसका बयान भी जारी किया है। बयान में उसने भारत के सत्तारूढ़ पार्टी में एक बड़े नेता के विरुद्ध आत्मघाती हमले की योजना का पर्दाफाश भी किया है दोस्तों। यह भारतीय सुरक्षा तंत्र को और अधिक चौकसी बरतने को आगाह कर देने वाला वाक्या है। रूस का दावा है कि उस आतंकी से IS ने तुर्की में टेलीग्राम ऐप के जरिए संपर्क साधा था और उसे फिर वहीं पर प्रशिक्षित भी किया। उसने यह भी स्वीकार किया है कि भारत पहुंचने पर उसे IS की ओर से आतंकी हमले के लिए जरूरी चीजें मिलनी थी। भारत और रूस के बीच आतंकवाद के खिलाफ पहले से ही समझौता है, इस लिहाज से रूस की तरफ से इस मामले में भरपूर सहयोग मिल भी रहा है। रूसी एजेंसी के इस महत्वपूर्ण पर्दाफाश के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा महकमे के भीतर खलबली मचना अब स्वाभाविक है। भारतीय एजेंसियां इस बात से चिंतित हैं कि पहली बार भारत के किसी नेता के खिलाफ IS ने साजिश रचने की कोशिश की। चुनौती इस मामले की तह में जाने की है। भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों से IS के तार जुड़ना भी चिंता का विषय है दोस्तों। पूर्व में नुपुर शर्मा द्वारा की गई एक टिप्पणी के खिलाफ देश भर में जिस तरह आतंक फैलाने का प्रयास किया गया वह बेहद खतरनाक और खौफनाक है। पिछले दिनों राजस्थान की सीमा पर भी एक आतंकवादी को इसी उद्देश्य से पूर्ति के लिए भारत में प्रवेश करते समय पकड़ा गया था। उसने नुपुर शर्मा के घर की रेकी करने और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के भी दावे किए। देश में आतंकी और IS जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश भी भारत की चिंताएं लगातार निरंतर बढ़ाए जा रही है। NIA ने पिछले दिनों पटना के दीघा निवासी मोहसिन अहमद को दिल्ली में गिरफ्तार किया। भारत में कई लोगों के इस आतंकी के साठगांठ की जानकारी मिलने के बाद NIA ने जांच आरंभ कर दी है। मोहसिन भारत में रहने वाले IS के समर्थकों को से धन इकट्ठा करता रहता, इस धन से वह क्रिप्टो करेंसी में बदलकर सीरिया स्थित IS के आकांक्षाओं को भेजा करता था। इसके साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंज में IS के उस अकाउंट का भी पता लगाया गया जिसमें मोहसिन धन भेजता था। वो लंबे समय से इस काम में जुटा था लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर हाल में उसकी संदिग्ध गतिविधियां आई और वह पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि देश में कट्टर इस्लामिक विचारधारा से जुड़े कई लोग IS की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें से कुछ तो ऑनलाइन गतिविधियों के शामिल होते हैं जबकि अनेक लोग जमीनी स्तर पर भी IS के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग खास तौर पर भारत में कट्टरता का फैलाव करते हुए भारत में IS का समर्थन करने वालों से चंदा जुटाते हैं, उसकी आतंकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और धन IS को भेजते आ रहे हैं। NIA की टीम ने मोहसिन के बिहार के अन्य जिलों के करीबियों के बारे में भी भरपूर जानकारी इकट्ठा की है दोस्तों। मोहसिन के तार उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं। इसकी पड़ताल में और भी छापेमारी की तैयारी की जा रही है। आतंकी फंडिंग के चौंकाने वाले सच सामने आए हैं जो भारत में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ों को मजबूत बनाने में निरंतर सक्रिय रहे। PFI को हर साल सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE और बहरीन से लगभग 500 करोड़ रुपए मिले थे दोस्तों। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसे परिवार की देखरेख के नाम पर अलग अलग
खातों में भेजा जाता है। इसके लिए पीएफआई सदस्यों को, रिश्तेदारों तथा परिचितों को 2 लाख बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आईएनए की एंटी टेरर फंडिंग विंग यह जांच कर रही है कि यह रकम कहां कहां खर्च की जाती रही है। पता चला कि पीएफआई कई ऐसे संगठनों को पैसे भेजती है जो युवाओं में इस्लामिक कट्टरता फैलाने का काम करते हैं। पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के पर्दाफाश के साथ यह भी सार्वजनिक हो चुका है कि अनेक संगठन मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टर बना रही है, देशद्रोही बना रही है। पीएफआई मुस्लिम विरोधी कतिपय सरकार नीतियों के चिन्हित करती और उनके विरुद्ध आंदोलन को उकसाती तथा आंदोलनकारियों पर खूब खर्च भी करती है। जेल में बंद आतंकियों की कानूनी लड़ाई को मोर्चे पर भी पीएफआई का विदेश से एकत्रित धन खर्च किया जाता है। इस कार्य के लिए उसने कई फ्रंट भी बना रखे हैं। ईडी से इसी साल जून में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए पीएफआई और उसके एक सहयोगी संगठन के 33 बैंक खाते सील किए हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि राज्य सरकार की नाक के नीचे ऐसे देशद्रोही षड्यंत्र किया जा रहा है और शासन प्रशासन इससे अनजान कैसे रहा। ऐसे षड्यंत्र के मामलों पर राज्य प्रशासन को पूरी नजर रखनी चाहिए। खैर, अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसियां आगे और क्या बारीक तहों से जानकारियां जुटा पाती है ताकि आतंक के प्रहार के लिए निर्णायक रणनीति तैयार की जा सके। लेकिन क्या सवाल अब ये उठता है कि हमारे देश में जितने भी इस तरीके से जो गतिविधियां हो रही है वो कब तक हमारा हिंदुस्तान पूरी तरीके से इस्लामीकरण के बदलने के लिए ये कोशिश हिंदुस्तान में देश में होती रहेगी और शासन और प्रशासन चुप होकर देखता रहेगा। सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा होता है। बाकी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सनातन परिवार बड़ा करने में मेरी सहायता कीजिए। फेसबुक पर जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पे भी पॉलिटिकल इंडिया नाम से अपना चैनल है, आप वहां भी जाकर वीडियो को देखें, लिंक कॉपी करके शेयर करें और वीडियो को कम से कम लाइक तो करते ही हैं आप, तो इतना करना तो आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं होगी। बाकी चैनल पर यूं ही बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।